हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। यदि आज का ये वीडियो देख लेते हो तो जो आपका चैप्टर 2 जियोग्राफी से रिलेटेड जो डाउट है वो सारा क्लियर होने वाला है। जो चैप्टर 2 है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करने के तत्पश्चात बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान भाषा में बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें जनसंख्या वितरण के बारे में इसका परिभाषा देख लेते हैं कि इसका परिभाषा होता क्या है विश्व जनसंख्या का, जिसको हम जनसंख्या वितरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के तत्पश्चात ही सारी चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हेडिंग्स भी होते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा टॉपिक में हेडिंग होती है, उसके पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जनसंख्या वितरण शब्द का प्रयोग, धरातल पर लोगों के वितरण प्ररूप को समझने के लिए किया जाता है। इसके वितरण को क्या है, प्ररूप को समझने के लिए किया जाता है। विश्व के 90% जनसंख्या, इसके 10% स्थल भाग, यहाँ पर देखिए स्थल लगा है, स्थल भाग पर निवास करती है। क्या है, विश्व की जो 90% जनसंख्या है इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है, जबकि शेष 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, सेम प्रोसेस यानी उसका उल्टा। और इसका मुख्य कारण मानव निवास के लिए आवश्यक कारक है। इसके भैया मुख्य, यहाँ पर देखिए मुख्य कारण मानव निवास के लिए क्या है, आवश्यक कारण है, कारक है, जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये जनसंख्या वितरण का छोटा सा परिभाषा है, या इसको छोटा सा एक उदाहरण भी कह सकते हैं, जो कि जनसंख्या वितरण का परिभाषा याद समझिए। इसी तरीके से आपको पेपर में देना है। मान लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए, या जनसंख्या वितरण से आपका आशय क्या है, तो यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आप दे दीजिएगा। अब जैसे जनसंख्या वितरण में, जैसे देखिए इसका एक प्रकार से उदाहरण कि जल की उपलब्धता, समतल एवं मंद ढालों वाले मैदान, जो मंद ढालों वाले मैदान, सुखद एवं सम जलवायु, उपजाऊ मृदा, खनिज की उपलब्धता और नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये भी शामिल है जनसंख्या वितरण में। ठीक है, ये भी क्या है, शामिल है जनसंख्या वितरण में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण और जैसा इस सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इसमें और भी टॉपिक आ जाता है, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जनसंख्या वितरण हमारा हो गया। अब इसमें जनसंख्या वितरण में देखिए, जनसंख्या का वितरण तो सिंपल परिभाषा था, लेकिन इसके प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लेते हैं, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको बताने हैं। अब भैया देखिए इसके कारक भी काफ़ी सारे हैं, जैसे भौगोलिक कारक के अंतर्गत भी आते हैं, भौगोलिक कारक हो गया आपका, ठीक है, भू आकृति हो गया, भौगोलिक कारक के अंतर्गत हो गया, फिर भौगोलिक कारक फर्स्ट हो गया, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये तीन कारक होते हैं जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों, भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक भी शामिल होते हैं। इसमें क्या है, सांस्कृतिक कारक भी शामिल होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, शामिल होते हैं। भौगोलिक कारक के अंतर्गत देखिए क्या आता है, भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, जो कि सबसे फर्स्ट इसका कारक है, किसका, जनसंख्या वितरण का। तो इसमें भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु तथा मृदा आदि शामिल होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। ये देखिए अब इनके बारे में आपको क्वेश्चन में आंसर देना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया गया, तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में आंसर देना होगा। जैसे भैया ये आपका हो गया, मान लीजिए ये हेडिंग है, तो इस हेडिंग का ये टॉपिक है, हेडिंग का भी एक प्रकार से ये पॉइंट है, जो कि भौगोलिक कारक के रूप में आया है।
अब इसमें देखिए भौगोलिक कारणों जैसे जल की उपलब्धता पूछा गया है, ये देखिए ठीक है। अब जल की उपलब्धता क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि किसी भी क्षेत्र के मनुष्य में रहने के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता का होना आवश्यक है, ठीक है। जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने, भोजन बनाने, कृषि के लिए और उद्योग धंधों तथा नौ संचालन, यहाँ पर देखिए नौ संचालन के लिए होता है। नदी घाटियों की कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी के अतिरिक्त पर्याप्त जलापूर्ति के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जो कि जल की उपलब्धता में है, ठीक है। और इस कारण से विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग नदी घाटियों में निवास करती है, तो ये जल की उपलब्धता हो गई। दूसरा पॉइंट आ जाता है भू आकृति। इसमें क्या होता है कि भू आकृति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है, ये भैया प्रमुख मानी जाती है। जनसंख्या का वितरण मैदानी क्षेत्र और मंद ढाल क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि क्षेत्र सड़क यातायात, फसल उत्पादन और उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल होते हैं, ये भू आकृति में आ जाता है। वही जलवायु में देखा जाए तो भैया जिन प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश और अति उष्ण या ठंडे मरुस्थल, ये जलवायु से रिलेटेड हो गया। मिट्टी से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट, मिट्टी से जैसे उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कृषि तथा इससे जुड़ी क्रियाओं के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना क्या है भैया, आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए उपजाऊ होना आवश्यक है और विश्व की अधिकांश जनसंख्या दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों और नदी घाटियाँ के आसपास पाई जाती है, ठीक है, यानी विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है। तो ये भौगोलिक कारक के चार सूत्र थे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ और इसी तरीके से आपको पेपर में लिखाना पड़ेगा जब आपका दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हमारा जनसंख्या वितरण का दूसरा कारक देख लीजिए, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होता है ये देखिए, इसके अंतर्गत जो आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि कारक शामिल होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। जिनका जो वर्णन है प्यारे विद्यार्थी वो क्या है, निम्न प्रकार से है। अब निम्न प्रकार से कैसे हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला खनिज। खनिज में क्या होता है देखिए, खनिज होता है कि किसी क्षेत्र में खनन उद्योग होने से वहाँ की जनसंख्या संघन होती है, ठीक है। और खनिज पदार्थों के उत्खनन से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करने के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न करते हैं, जिससे कुशल और अर्धकुशल श्रमिक जनसंख्या का संघन बना देते हैं, जैसे अफ्रीका की कांडका तथा जाबिया की तांबा पेटी। फिर नगरीकरण में भी सेम वही प्रोसेस आपका आ जाता है, ठीक है। नगरीकरण में क्या आता है कि जैसे नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा संचार एवं परिवहन के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं आकर्षित करते हैं भैया, ठीक है, ये भी हो गया। और जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी भैया ग्रामीण से लोग नगर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या कंपलसरी है बढ़नी है। और औद्योगिकरण के क्षेत्र में देखा जाए तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र वहाँ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे जनसंख्या क्षेत्रों में प्रति आकर्षित होता है। यानी ये मान लीजिए कि भैया कि कहीं पर 10-20 हज़ार रुपया मिल रहा है, जो कि ग्रामीण इलाके के एक मजदूर को, और वहाँ पर उसको व्यवस्था मिले कि आपकी अपनी फैमिली भी होगी, वहाँ पर आप फैमिली को भी ला सकते हैं, तो वहाँ पर कंपलसरी जनसंख्या बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा कारक हो गया। तो जनसंख्या वितरण के जो दो कारक हैं इनके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक आ चुका है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व आपका पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा आता है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो हमने वो कारक बता दिया, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक। लेकिन अगला जो हमारा जनसंख्या का घनत्व है, अब जनसंख्या के घनत्व के बारे में सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ें देखेंगे कि इसका सूत्र क्या है, ठीक है। देखिए, किसी देश या प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का आकार तथा उसमें रहने वाले लोगों की संख्या, भूमि का आकार तथा जो उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। इसके बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं ये आपने तो जान लिया। अब जनसंख्या के घनत्व का सूत्र देख लीजिए कि किस तरह से है। देखिए, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर जनसंख्या आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये जनसंख्या का सूत्र है। सबसे पहले आपने देख लिया कि इसका परिभाषा क्या होता है कि किसी देश
या प्रदेश, मान लीजिए भारत देश है, प्रदेश है और प्रदेश के क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भूमि का आकार यानी भूमि का जो आकार है तथा उसमें जो रहने वाले लोगों की संख्या के बीच, जैसे हम लोग रहते हैं तो उसमें संख्या के बीच के अनुपात को, उसमें बीच के अनुपात को क्या है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ये देख सकते हैं उसमें कुल जनसंख्या और नीचे क्षेत्रफल उसका रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका सेकंड चैप्टर है इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में हरदम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। ठीक है, जो जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण है जो कि इसका एक हेडिंग है, इसका इसी का जनसंख्या घनत्व का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये एक प्रकार से हेडिंग आ जाता है, हेडिंग के भी आपके वो निकल कर आते हैं पॉइंट। जैसे उच्च, यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व का तो वैश्विक वितरण हो ही गया है। ठीक है, अब इसके देखिए पॉइंट को देख लेते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब जैसे जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कैसे हैं इसके बारे में देखिए। विश्व के ऐसे घने आबादी वाले क्षेत्र जहाँ 200 से अधिक, जहाँ जो 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग निवास करते हैं, यानी 200 से अधिक, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलो यानी एक किलोमीटर में निवास करते हैं, उसी को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में देखिए मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र यहाँ पर देखिए जहाँ 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं, उसी को क्या कहता है भैया, मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र कहे जाते हैं। इसी तरीके से पेपर में आपका आएगा भैया कि जनसंख्या घनत्व के बारे में बताइए, पूर्ण रूप से बताइए या इसकी व्याख्या कीजिए, तो पूरा इसी तरीके से आपको डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए इसमें और है जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण में, दो तो बता दिया है, एक है विरल जनसंख्या, यानी भैया जहाँ पर एक प्रकार से कहते हैं ना कि विरल जनसंख्या, एक यहाँ पर है तो एक मतलब 200 मीटर के दूर पर है। जैसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र की जिन क्षेत्रों में एक व्यक्ति, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में भी लोग निवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक प्रकार से होता है ना उच्च, फिर मध्यम और निम्न, ये निम्न की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया, ये निम्न वाली में श्रेणी आता है। मध्यम वाला हमारा बीच वाला हो गया और जो उच्च वाला था वो हमारा फर्स्ट हो गया, जो कि जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण है। इसी तरीके से आप लोग पॉइंट को लिखिएगा। अब हमारा आ जाता है अगला, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं भैया, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को, निवासियों में जो हुए संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है, दो रूप में बांटा गया है भैया। जनसंख्या परिवर्तन को दो रूपों में क्या है, बांटा गया है। दो रूप कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला धनात्मक वृद्धि, ठीक है, सबसे पहला जो है धनात्मक वृद्धि। अब धनात्मक वृद्धि के अंतर्गत देख लीजिए क्या आता है कि जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब होती है जब किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान, किसी क्षेत्र में क्या है, निश्चित अवधि के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। भैया जन्म दर जो है ये मृत्यु दर के क्या है, अधिक हो, उसी को धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अब ऋणात्मक वृद्धि के बारे में जान लेते हैं, जो कि किसी निश्चित क्षेत्र में यानी कोई भी निश्चित क्षेत्र है, निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई कमी को ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी दोनों इसमें हमने बता दिया कि धनात्मक वृद्धि क्या होती है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। ये जनसंख्या वृद्धि का एक प्रकार से स्वरूप है जो कि दो रूप में बांटा गया था या दो भागों में बांटा गया था, आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है ये तो आप लोगों ने जान ही लिया। इसी तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका पहला चैप्टर था उसका वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अब सिलेबस का टाइम जा चुका है तो मैं चैप्टर ज़्यादा नहीं लेकर आ पाऊँगा,
ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा करना क्या है आपको प्यारे विद्यार्थी, करना आपको ये है कि अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले साल के पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, नए पैटर्न पर आधारित पेपर हैं, उसको आप लोग हल कीजिए, क्योंकि उसी से आपका बेड़ा पार होगा और आप जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 70 नंबर लाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लोग आसान समझते हैं, लेकिन ये आसान तब बन जाता है जब आप अच्छी से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अच्छी से तैयारी कीजिए और अपने पेपर में 70 में 70 लेकर आइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में तो जान लिया, अब हम जनसंख्या वृद्धि के घटक के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, इसमें एक प्रकार से ये हेडिंग आ गया है, ठीक है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः तीन घटक होते हैं। इसके मुख्यतः क्या है भैया, तीन ही घटक होते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है, जिनका जो वर्णन है ये निम्न प्रकार है। ये देखिए, अशोधित जन्म दर, इसमें क्या है, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, ये हो गया अशोधित मृत्यु दर, और प्रवास। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बता दूँ। अशोधित जन्म दर वो होता है जिसे कि किसी वर्ग, मान लीजिए कि ऊपर क्या है, किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या ऊपर रहती है और उस वर्ग विशेष मध्य में अनुमानित संख्या गुणे 1000 से कर दीजिए, जो आएगा वो आपका अशोधित जन्म दर हो जाएगा। वही प्रवास की बात की जाए प्यारे विद्यार्थी, तो प्रवास वो होते हैं जहाँ पर यहाँ विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन करना होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परिवर्तन करते हैं या गमन करते हैं, उसी को प्रवास या उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। इसको गंतव्य स्थान भी कहते हैं, उद्गम भी कहते हैं, गमन भी कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं प्रवास को। अब आ जाता है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर के बारे में तो हमने ये वाला बता दिया कि किसी वर्ग विशेष के मृतकों की संख्या, आपका मृतकों की संख्या ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि उस वर्ग, जैसे उस वर्ग के विशेष अनुपातिक जो जनसंख्या है गुणे 1000 कर दीजिएगा, जो आएगा वही सही आंसर है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि अशोधित जन्म दर क्या है, ठीक है। अशोधित जो आपका जन्म दर है, इसके बारे में आपको बताना है कि किस, अब इसमें देखिए, अब अशोधित जन्म दर में देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा कि किसी वर्ग जीवित बच्चे का जन्म, यहाँ पर फिर नीचे आप गुणे करके लिख दीजिए कि उस वर्ग विशेष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000, इसमें भी आप कर दीजिएगा, यानी सारा एक प्रकार से यहाँ पर मृत्यु वाला आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके। और प्रवास को क्या कहते हैं कि भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना या बस जाना, उसी को प्रवास कहा जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं जो कि हमने बता दिया है। अब हम देख लेते हैं जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, मैंने बताया भी है। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये होता है, बेसिकली क्या होता है, इसमें एक प्रकार से ये टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है, ये टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाएँ हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएँ, इसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहला है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए, प्रथम अवस्था क्या होता है, इसका परिभाषा आप लोग देखिए। हाँ, ये देखिए, उच्च प्रजनन दर एवं उच्च मृत्यु दर इसकी प्रमुख विशेषता है। जो भोजन आपूर्ति में कमी एवं महामारी के कारण उत्पन्न होती है। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, जनसंख्या वृद्धि धीमी तथा जीवन प्रत्याशा निम्न पाई जाती है। ये निम्न पाई जाती है, जो कि इस तरह से मैंने आपको बता दिया। ये प्रथम अवस्था है। दूसरा है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है। जो प्रारंभ में जन्म दर है, यानी जनसंख्या बढ़ती है बच्चों की, वो ज़्यादा होती है तथा समय के साथ घटती है, अर्थात ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, ठीक है, ये द्वितीय अवस्था हो जाती है। उसके बाद में देख लेते हैं तृतीय अवस्था के बारे में, जैसे कि ये दिया हुआ तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर घटक स्थिर हो जाती है। इस कारण जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ती है, ये तृतीय अवस्था मानी जाती है। तो जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है वो इस तरह से है। तीन अवस्थाएँ इसके थी जो कि मैंने आपको बता दिया है, तीन अवस्थाओं के बारे में। इनका एक प्रकार से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का परिभाषा भी पूछा जाएगा,
तो परिभाषा आप लोग लिखने में इंटरेस्टेड है तो लिख दीजिएगा, जो कि जनकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था पूछा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर यही आपका पूछा जाएगा कि जनकीय संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाओं के बारे में विस्तार रूप से बताइए, ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, जब आप समझा देंगे एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, तो जो भी होगा जैसे चार नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको चार नंबर पूरा दे देगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या, या अगला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हम जान लेते हैं। देखिए, थॉमस माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध के रूप में सामने आते हैं। युद्ध के रूप में क्या आते हैं भैया? सामने आते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। जिससे जो जनसंख्या वृद्धि, इसमें क्या है, अचानक से गिरावट आती है। लोगों के लंबे समय तक जीने की समय अवधि को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। समय अवधि को क्या कहा जाता है भैया? जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं जो कि इस तरह से बताए गए हैं। छोटा ही क्वेश्चन है और ये खासकर लघु उत्तरीय में, खासकर जो जियोग्राफी में लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आंसर मैंने बता दिया है। खासकर आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, यानी इस तरह से एक दो सीरियल से भी आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर टू था उसके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हमने बताए, हमारा फर्स्ट टॉपिक। दूसरा है जनकीय संक्रमण का सिद्धांत। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर जनसंख्या का घनत्व, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक के बारे में हमने बताया आपको, और लास्ट में कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो ये हमारे कुछ 5 से 6 टॉपिक थे और उसके हेडिंग्स भी थे। ऐसे ही आप लोगों का पेपर आता है और इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको करा दिया है। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पीडीएफ नहीं मिल सकता स्टूडेंट। मैं पहले बता दूं, पीडीएफ इसका मैंने नहीं बनाया है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि आपके टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमारा 81 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है जो कोई भूगोल का है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।